सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। फिलहाल BTC चल रहा है एग्जैक्ट $30,000 और साथ ही साथ आज फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सुई का एयर ड्रॉप जो कि हो चुका है कैंसिल। अगर हमने बहुत सारे टास्क आपने पूरे करे थे तो वो टास्क के अकॉर्डिंगली आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलने वाला। एयर ड्रॉप मिलने के लिए फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं एक्सचेंजेस यानी कि जैसे बायबिट, कुकॉइन, जिसका प्रोसेस मैं आपको आज वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ बात करने वाला हूँ ऑल्ट सीजन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शायद आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, बिकॉज BTC एंड इथेरियम एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर चल रहा है जिसे हम कहते हैं ऑल्ट सीजन का स्टार्ट होना। काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रहा है कि सब कुछ वही पैटर्न पर चल रहा है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज ये पैटर्न अगर इसी तरीके से फॉलो होता रहा तो बहुत जल्दी मिड कैप कॉइंस पंप होते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद लो कैप कॉइंस जिनमें शायद आपका बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है वो कॉइंस भी पंप होते हुए दिखाई देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना बिकॉज आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक अभी कभी कर दीजिए। साथ ही साथ चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सुई का एयर ड्रॉप बायबिट के थ्रू कैसे फिलहाल हम हासिल कर सकते हैं उसको हम जान लेते हैं। लिंक मैंने नीचे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीधा उसके थ्रू ज्वाइन करो और ट्राई करो इस एयर ड्रॉप को हासिल करने का बिकॉज बायबिट के ऊपर कुछ ना कुछ फंड आपका तो बड़ा ही है, तो क्यों ना हम जो हमारे को $50 की $45 की एलोकेशन मिल रही है वो हो सकती है $500 की वर्थ की, तो उस एलोकेशन को हम मिस क्यों करें। तो उस एलोकेशन को जरूर ट्राई करो हासिल करने का, दैट शुड बी योर एम राइट नाउ। लेट अस गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, जल्दी से करते हैं काम की पहले बात। सुई का जो एयर ड्रॉप कैंसिल हुआ है, अगर आप जाएंगे बायबिट के ऊपर तो उसको आप फिलहाल फिर भी पा सकते हो। थोड़े से कुछ टास्क है उसको आपको कंप्लीट करना है। अगर आप वो टास्क को आज पूरा करने से डर रहे हो तो आपको आने वाले टाइम में वो करना ही पड़ेगा, तो वाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट और उसका एक हम फ़ायदा उठा पाए। अगर आप बायबिट के एक्सचेंज के ऊपर जाते हो, जो कि मैंने नीचे लिंक दिया है, आप उसके थ्रू ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा बायबिट सुई पार्टनरशिप, जहाँ पे आपको उसकी पूरी अनाउंसमेंट दिखाई देगी जो कि आपको ले जाएगी गो टू बाय स्टार्टर पेज पे। जब आप बाय स्टार्टर पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा जहाँ पे टाइम दिख रहा होगा 1 day 2 hours and 18 seconds का अभी वार्म अप पीरियड चल रहा है, जहाँ पे क्लियरली लिखा है $0.03 का सुई टोकन आपको मिलेगा और मैक्सिमम आपको 10 से लेके 45 तक के आपको टोकन मिल सकते हैं डिपेंडिंग कि आपने कितना अमाउंट लॉक किया है बायबिट के ऊपर। ऑल पार्टिसिपेंट हैव एन इक्वल चांस of being selected in the lottery, the ability in the to participate in the sale will be determined prior to entry in the portal. One, only white listed users who completed level 2 identity verification will be eligible for the event. यानी कि आपको अपनी वेरिफिकेशन ऑन KYC यानी कि करनी पड़ेगी बायबिट के ऊपर, तो आज नहीं तो कल अगर आप बायबिट के ऊपर ट्रेड करते हो, जो कि आप करते हो मेरे को जहाँ तक लगता है, तो आपको ये KYC करनी ही पड़ेगी बिकॉज आने वाले टाइम में सारे एक्सचेंजेस को फिलहाल चाहिए KYC, बिकॉज ट्रेड करना है तो KYC फिलहाल देना पड़ेगा, जो कि एक लंबे टाइम के लिए शायद मैं कहूँगा अच्छा है क्रिप्टो के लिए, लेकिन फिलहाल या शायद आपको टफ दिख रहा हो, लेकिन येस ये आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो बाद में करोगे, तो आपको अभी टोकन मिल रहे हैं जो कि वर्थ हो सकते हैं $500 के, तो मैं तो कहूँगा फिलहाल कर लेना चाहिए। यूजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू द टोकन सेल। US से अगर आप है, जापान से अगर आप है, यूक्रेन से अगर आप है, बेलारूस से अगर आप है, तो आप इसकी सेल में अलाउड नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं, व्हाइट लिस्ट यूजर मस्ट कंप्लीट द आइडेंटिटी लेवल 2 को आइडेंटिफाई करना है, ओनली व्हाइट लिस्टेड यूजर जो है उनको मिलेगा। बाय पार्टिसिपेटिंग इन द टोकन सेल यूजर एक्नॉलेज कर रहा है क्या है उसके प्लस एंड माइनस के रिस्क। ऑल पार्टिसिपेंट यूजर मस्ट स्ट्रिक्टली अडहेयर टू बायबिट टर्म्स एंड सर्विसेज। इट इज़ द यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्फर्म वेदर देर आर एनी अनलॉक्ड एसेट इन द अकाउंट बिफोर डिटेक्शन डिलीशन। बायबिट रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द टर्म्स, इसके टर्म्स कोई भी बॉडी बायबिट मॉडिफाई कर सकता है। बायबिट रिजर्व द राइट टू द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टोकन सेल। तो आपको यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको आपके वॉलेट में अगर कुछ USDT है, जैसे कि मेरे कुछ वॉलेट में मैंने कुछ $300,000-$400,000 के करीब रखे हुए हैं जस्ट टू टेक द पार्टिसिपेंट ऑफ सुई का एयर ड्रॉप, तो मेरे को उसके बाद पूछा गया है लेवल 2 की वेरिफिकेशन आपको करनी है, तो मैं लेवल 2 की वेरिफिकेशन कर दूंगा। जब मैं लेवल 2 की वेरिफिकेशन कर दूंगा, मैं चला जाऊंगा सब्सक्रिप्शन पीरियड के अंदर, फिर आ जाएगा अगला एलोकेशन पीरियड और आ जाएगा रिजल्ट का पीरियड, जो कि सबका सब 24th को है। अगर आप देखेंगे एलोकेशन पीरियड भी 24th को है, रिजल्ट का पीरियड जो है वो भी 24th ऑफ अप्रैल को ही डिक्लेयर होगा। तो सब्सक्रिप्शन पीरियड जो है ये आज वार्म अप पीरियड है, आज लास्ट डेट है, सिर्फ एक दिन रह गया आपके पास, तो एक्शन थोड़ा सा जल्दी लेना। बायबिट के ऊपर फिलहाल आपको नियर अबाउट 94 million टोकन जो है सप्लाई के, उनमें से कुछ पोर्शन जो होगा वो फॉर श्योर इनको मिला होगा, जो कि आप लोगों को
सबको मिलेगा सुई टोकन के अंदर एज अ नियर ड्रॉप अगर आप बायबिट के ऊपर जाते हो और बाय स्टार्टर के थ्रू आप इसको ज्वाइन करते हो। अब मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लूँगा तो मैं इसके अंदर एंट्री कर लूँगा, वेरीफाई ना हो जाऊँगा उसके बाद सब्सक्रिप्शन पीरियड में चला जाऊँगा। अभी मैं इसको इसके बाद वीडियो के बाद वेरीफाई करके अपने स्टेप्स को पूरा ज़रूर कर लूँगा। तो ये सिंपल सी स्टेप है बायबिट के ऊपर सुई टोकन का एयर ड्रॉप हासिल करने का। अब बात करते हैं ऑल्ट सीजन की, जो कि आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप अगर देखेंगे तो आपको मैं कुछ स्टेटमेंट जो पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही सब कुछ फ़िलहाल मार्केट में हो रहा है। ये हम कहते हैं, इसे कहते हैं ऑल्ट सीजन का ज़रिया, जिसे कहते हैं हम ऑल्ट सीजन तक कैसे पहुँचते हैं। फेज़ वन के अंदर बिटकॉइन जो है फ्लो ऑफ मनी मूव्स इनटू बिटकॉइन कॉजिंग प्राइस सर्जेस, यानी कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उसी स्टेज के अंदर मनी फ्लोज इनटू इथेरियम बट इट स्ट्रगल टू कीप अप विद बिटकॉइन। जहाँ पे बिटकॉइन बढ़ रहा है लेकिन इथेरियम उतना नहीं बढ़ रहा होता, हमने ये थोड़ा टाइम पहले अभी देखा है। उसके बाद इथेरियम गोज बैक एंड फॉर्थ विद बिटकॉइन एंड स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग इट, धीरे धीरे इथेरियम जो है वो ऊपर नीचे होता होता आउट बीटीसी के बराबरी या बीटीसी से थोड़ा सा आगे जाना स्टार्ट हो जाता है। फेज़ टू के अंदर इथेरियम जो है आउट परफॉर्म कर देता है बिटकॉइन को और यहाँ पर सारी दुनिया बात करने लग जाती है, इथेरियम जो है अब फ्लिप कर देगा बिटकॉइन को। इस वक्त वही स्टेज चल रही है। फेज ओवरलैप, मनी स्टार्टिंग टू ट्रिकल इनटू लार्ज कैप्स वेयर वी कैन सी लार्ज बाय अप्स हैपनिंग। लार्ज कैप यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कल बात करी थी एलटीसी की, अगर हम बात करें एलटीसी के ऊपर मूवमेंट देखने को मिलनी स्टार्ट हो गई है। हमारे को डॉज कॉइन के अंदर भी मूवमेंट दिखाई देनी स्टार्ट हुई थी। हमारे को अगर हम बात करें पोलका डॉट के अंदर जो कि करीबन $5.5-6 का था, वहाँ पर मूवमेंट देखने को स्टार्ट दी थी। हमारे को थेटा के अंदर मूवमेंट जो कि 90.95 सेंट था, 1.10 सेंट लग रहा। मैटिक के अंदर हमारे को मूवमेंट दिखाई देनी स्टार्ट हुई थी। ये सब के अंदर हमारे को फिलहाल धीरे धीरे मूवमेंट देनी स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी है, जो कि एग्जैक्टली अभी हम कह सकते हैं लार्ज कैप की तरफ पैसा बढ़ना शुरू हो गया है। फेज थ्री के अंदर लार्ज कैप इथेरियम हैज़ आउट परफॉर्म बिटकॉइन, यानी कि इथेरियम टोटली आउट परफॉर्म कर देगा बिटकॉइन को और लार्ज कैप जो है वो पैराबॉलिक चलने लग जाएंगे, बहुत स्पीड में ऊपर बढ़ने लग जाएंगे। रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट कैप स्वयं ऑल्ट कॉइन विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आर हैविंग पंप्स, जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होंगे जैसे कि ओशन प्रोटोकॉल, ऐसे कॉइन्स जो होंगे वो बहुत ज़बरदस्त पंप होना स्टार्ट हो जाएंगे इस सीजन के अंदर लार्ज कैप्स के अंदर। फिर आता है ऑल सीजन जिसका आपका मेरे को सबको इंतज़ार होगा, जो कि है लार्ज कैप्स से हैव गॉन फुल्ली वर्टिकल एंड वी हैव सीन द ब्लोन ऑफ टॉप्स, मिड कैप्स, लो कैप एंड माइक्रो कैप ऑल टेंड्स टू पंप अराउंड द सेम टाइम। लार्ज कैप्स हैव बीन आउट परफॉर्मिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम, इट सीम्स एवरी कॉइन इज गोइंग पैराबॉलिक रिगार्डलेस ऑफ फंडामेंटल, मीम आर एवरीवेयर, एवरीवन इज सुपर एक्साइटेड एंड यू फील द मेनिया इन द एयर। तो ये हो सकता है ऑल सीज़न, इसी तरीके से अगर मार्केट चलती रही, अगर हम बीटीसी को जो देख रहे हैं फिलहाल चल रहा है $29,850। मैं आपको कहूँगा अगर बीटीसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बीटीसी 26,000 ना तोड़े या $25,000 का मार्क ना तोड़े। अगर बीटीसी $25,000 का मार्क नहीं तोड़ता, मार्केट कैन गो पैराबॉलिक एग्जैक्टली इसी फिगर की तरह। अगर मार्केट यहाँ से $28,000 चली जाती है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, $28,000 एक हेल्दी करेक्शन होने वाली है। उसके बाद हम देख सकते हैं वो $32,000, $34,000 का मूव जो कि हम देखने का फिलहाल वेट कर रहे हैं बिटकॉइन के रिगार्डिंग। कभी भी बीटीसी स्ट्रेट अवे एक पाथ के अंदर फॉलो करके स्ट्रेट अवे नहीं जाता ऊपर, बिकॉज लोगों ने बहुत हाई लेवल ली होती है, उनको उनका स्टॉप लॉस सेट करवाना और उनको लिक्विडेट करने के लिए बहुत सारी अप एंड डाउन मूवमेंट देखने को मिलती है। इसको आप हमेशा दिमाग में रखना, कभी मत सोचना कि बीटीसी स्ट्रेट अवे ही ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीटीसी और इथेरियम के रिस्पेक्ट में इथेरियम ऑलरेडी बीटीसी को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे जो लॉन्ग कैप बिग कैप कॉइन्स है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने भी स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपने सारे कॉइन्स देखे होंगे आपको दिखाई दिया होगा काफ़ी सारे बिग कैप कॉइन ने पंपिंग दिखानी स्टार्ट कर दी है। ऐसे ही धीरे धीरे फंड्स जो है छोटे ऑल्ट कॉइन में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के साथ कुछ ऑल्ट कॉइन को शेयर करने का जो कि शायद मिड कैप या लो कैप होंगे और अभी भी उनके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और अभी तक वो बड़े नहीं हैं। वो कॉइन्स मैं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर शेयर करूँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, कुछ कॉइन्स चाहिए 5-10 जो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हो इस सीज़न के लिए, उसको अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता हूँ वो है फेज़ 5। ये सब कुछ तो हो गया, इस फोटो में फेज़ 5 नहीं लिखा। फेज़ 5 है कि जब ये प्रॉफिट बना लिया उस प्रॉफिट को कर लेना बुक, अदरवाइज महीने लगे आपको ये प्रॉफिट बनाने में। होल्डिंग करी आपने महीनों, 1-1.5 साल आपने बीयर सीजन को सरवाइव किया और एट द एंड हुआ क्या,
आपने देखा आपका पोर्टफोलियो $1,000 से $10,000 $20,000 चला गया, और 20,000 से 2 दिन के अंदर आप दोबारा $7,000 पे आ गए। अब $7,000 के बाद आप वेट कर रहे हो दोबारा 20,000 हो जाए और वो आपका पोर्टफोलियो $4,000 पे आ गया। इसी तरीके से मार्केट चलती है। तो अगर फिफ्थ फेज़ के अंदर आपने आपको नहीं बचाया तो सबसे डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप सब लोगों के लिए। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा सीज़न, शायद जो मैं अभी मानता हूँ फिलहाल, शायद नहीं रहना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री को प्रिपेयर करके अगर देखें तो यहाँ पे एक करेक्शन ज़रूर आनी बनती है जो कि 20,000 के करीब भी BTC को लेकर जा सकती है, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मिनी ऑल्ट सीज़न, जो कि हर बार मैंने आपको कहा था, इस साल के स्टार्टिंग में भी कहा था, दो ऑल्ट सीज़न इस साल में आ सकते हैं। एक ऑल्ट सीज़न जो अभी चल रहा है ऑलरेडी, और एक हम आगे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। एक छोटा सा ऑल्ट सीज़न जो था वो हमने ऑलरेडी देखा था फरवरी मार्च के अंदर, उसके बाद थोड़ी करेक्शन आई, $20,000 तक BTC गया, और अभी दोबारा वेव चल रही है जहाँ तक हम $40,000 तक जाते हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा करेक्शन, अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो हम दोबारा 20,000 देख सकते हैं, और वहाँ से हमारे को बचना है। फेज़ फाइव के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है ये सारे सीज़न के अंदर। तो मैं मानता हूँ 2 महीने का टाइम हो सकता है टू मेक अ ह्यूज प्रॉफिट। अगर इसी तरीके से सीजन चलता रहा तो वी विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको चाहिए वो ऑल्ट कॉइन्स, आई विल ट्राई टू स्टडी दोज ऑल्ट कॉइन्स एंड ट्राई टू पिच इट देम टू यू गाइस इन नेक्स्ट मैक्सिमम 24 आवर्स। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हो कि आपको ऑल्ट कॉइन चाहिए तो येस आई विल स्टडी अबाउट इट फॉर यू गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो येस आई ऑल्सो गेट डीमोटिवेटेड। तो वीडियो को लाइक अभी क्या